प्रोग्राम एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी को जेल से स्पीड पोस्ट से भेजा तलाक का नोटिस, देखें ये रिपोर्ट। बहुचर्चित शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने अपने पति पीटर मुखर्जी को जेल से ही तलाक का नोटिस भेज दिया है। पीटर भी इस केस में जेल में बंद है। इंद्राणी ने आपसी सहमति से तलाक लेने का आर्थर रोड जेल बंद में पीटर को स्पीड पोस्ट के जरिए नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पहले से तय फाइनेंशियल सेटलमेंट को मानते हुए पीटर को आपसी सहमति से तलाक के लिए राजी होना चाहिए। सेटलमेंट में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कहा गया है, इसमें दोनों की स्पेन और लंदन की संपत्ति है। इसके अलावा बैंक फिक्स डिपॉजिट और अन्य खातों का भी जिक्र है। नोटिस में कहा गया है कि पीटर और इंद्राणी ने 8 नवंबर 2002 को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत और 10 नवंबर 2002 को हिंदी रीति रिवाज के तहत शादी की थी। अब उनकी शादी टूट चुकी है और दोनों में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची। पीटर से 30 अप्रैल तक आपसी सहमति के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करने के लिए कहा गया है। इस नोटिस के बारे में पीटर के वकील अमित गाग ने जानकारी ना होने की बात कही है। इससे पहले इंद्राणी पीटर और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत के सामने पेश हुए हैं। इस दौरान तीनों ने आपस में कोई बात नहीं की। पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की निर्मम हत्या, देखें ये रिपोर्ट। पालघर जिले के तनासरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कोकाटपड़ा गांव के पास बुधवार की रात एक पति ने मामूली विवाद को लेकर पत्नी की कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी पत्नी ने अपने ही मासूम तीन बच्चों के सामने वारदात को अंजाम दिया और खून से लथपथ कुल्हाड़ी को लेकर फरार हो गया। पड़ोसी द्वारा दी गई घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार तलासरी के सूत्राकार स्थित कोकटापाड़ा निवासी रध्या हाडला पत्नी लूसी व तीन बच्चों के साथ रहता था। गुरुवार की रात करीब 11:30 बजे पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस बीच पति ने बच्चों के सामने पत्नी के सिर, गर्दन, पीठ, हाथ पर कुल्हाड़ी से कई बार कर दिए, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुंबई में सीरियल के सेट से चोरी, आरोपी हुआ अरेस्ट, देखें ये रिपोर्ट। टीवी धारावाहिक पिया अलबेला की गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही है। वीडियो एडिटिंग करने वाले 6 LCD माइक्रोफोन और शूटिंग उपकरण सेट से गायब हो जाने से हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के इस धारावाहिक के सेट पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम होने के बावजूद चोरी की घटना से पूरी टीम सकते में है। घटना 17 अप्रैल की है। प्रोडक्शन हाउस से जुड़े दीपक पांडे की शिकायत पर आरए पुलिस ने 18 अप्रैल को अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया। जांच में 23 अप्रैल को कुछ लोगों द्वारा संतोष नगर स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर कंप्यूटर, LCD और अन्य सामान बेचने के आए लोगों की जानकारी मिली। पुलिस ने जाल बिछाकर LCD समेत अन्य उपकरणों के साथ तीनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। तो इन दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी एनजी डोगरा के साथ, देख रहे SBT न्यूज। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।